राजस्थान के किसान और मजदूर के युवा दिलों की धड़कन आदरणीय सचिन पायलट साहब, कांग्रेस से प्रत्याशी बड़े भाई मुकेश जी भाकर, काजी निजामुद्दीन साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई अजय चिकारा जी, गौरव तुसीर जी, अनिल धनखड़ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से पधारे भाई जतिंदर सिंह वरक जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हाल ही के अंदर छात्र संघ उपाध्यक्ष बने भाई अभी दैया जी, मंच पर उपस्थित लाडनू से प्रधान जी, चेयरमैन साहब और लाडनू की प्रत्येक पंचायत समिति से पधारे सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य और मेरे सामने विराजमान माताएं बहनें, बड़े बुजुर्गगण और युवा साथियों, आज आप सब लोग लाडनू के लोकप्रिय विधायक, आप लोगों की मजबूती के लिए, आप लोगों की ताकत के लिए लड़ाई लड़ने वाले बड़े भाई मुकेश जी भाकर को आप लोग गांव ढाणी से आशीर्वाद देने के लिए, मजबूती देने के लिए यहां पधारे। कुछ समय पहले लाडनू विधानसभा के अंदर लोग ये बातें करते थे कि अब की बार तो मुकेश जी की टिकट काट देंगे। आदरणीय पायलट साहब, लाडनू की जनता हमेशा विधायक जी के लिए इनकी ताकत बन के, इनकी मजबूती बन के उभरती है, हमेशा आशीर्वाद देने के अंदर कभी कोई कमी नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ की चिकित्सा के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए, गांव ढाणियों में सड़कों के लिए विधायक जी ने बड़ी मजबूती से काम किया है। युवा साथियों के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, किसी भी जगह कोई भी मदद करने की आवश्यकता पड़े तो कभी विधायक जी पीछे नहीं हटते हैं। आज से 5 साल पूर्व जब चुनाव विधानसभा के हो रहे थे, तब मेरे पास कुछ गांव की जिम्मेदारी थी, कुछ बूथों की जिम्मेदारी थी, तो मैं उन गांव में घूमता था, घर घर जाता था, तो वहां के लोग हमेशा एक भरोसे के साथ मुझे वादा करते थे कि मुकेश भाकर के साथ हम लोग मजबूती से रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि राजस्थान के कोने कोने के अंदर युवा साथियों की मजबूती के लिए, छात्रों की शिक्षा के आधार की मजबूती के लिए बड़े भाई मुकेश जी ने हर जगह काम किया है। किसान कौम के, मजदूर कौम के, कमजोर वर्ग के जो युवा साथी मुकेश जी के पास कोई उम्मीद लेके मदद के लिए आते थे, तो उनके सुनहरे भविष्य के लिए पूरी ताकत के साथ पूरी टीम उनकी मदद करने में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। आज कई ऐसे साथी हैं जो आईएएस भी बन गए, आरएस भी बने, बड़े बड़े ओहदों पे देश और प्रदेश के अंदर विराजमान है। वो मुकेश जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे को, चाहे राजस्थान की राजधानी के अंदर शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में चाहे एडमिशन करवाए हो, चाहे रहने की व्यवस्था करी हो, सालों तक शिक्षा की मजबूती के लिए आपने संघर्ष किया। किसान कौम के युवा साथियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए आप इनकी ताकत बन के उभरे, तो ये गांव ढाणियों के लोग कभी भी अच्छा और नेक काम करने वाले व्यक्ति को नकार नहीं सकते, क्योंकि आप भी एक फौजी परिवार से आते थे और एक छोटे से गांव से निकल गए। आपने युवा साथियों की मजबूती के लिए मेहनत करी, उसको कभी हम लोग भुला नहीं सकते। तो आदरणीय विधायक जी की ताकत बनके अपन सब लोगों को आगे आना है। आने वाले इस विधानसभा चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक माता बहन को विधायक जी की मजबूती के लिए गांव ढाणी में काम करना है। लाडनू पहले जाना जाता था कि कुख्यात गैंगस्टर लाडनू से आते हैं,
लेकिन विधायक जी ने यह अच्छे काम किए, कॉलेज खुलवाए, जो भी उल्टे सीधे काम लाडू में करते थे उन लोगों की रवानगी यहां से करवाई। क्योंकि मुकेश जी का हमेशा एक सपना था कि यदि यहां कोई बदमाशी करेगा तो वो आसपास के युवाओं को भी, उनके भविष्य को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि अपन गरीब परिवारों के, किसान परिवारों के वो लोग हैं जो खून पसीना बहाते हैं और अपना परिवार पालते हैं। जब खेतीबाड़ी करके कोई किसान अनाज बेचेगा और अपने बेटे बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए इन्वेस्ट करेगा, और यदि उनके बेटे बेटियां गलत रास्ते पे जाएंगे तो ऐसा मुकेश भाकर कभी भी नहीं होने देगा। इसकी मजबूती के लिए आप सब लोगों को आगे आना है। मैं तो ये कहता हूं, जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मैं चुनाव लड़ रहा था और सबसे बुरे दौर से जब मैं गुजर रहा था, तो विधायक जी ने एक बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में मेरे साथ मजबूती से कंधा मिला के मेरे कमजोर समय में साथ खड़े रहे। नागौर जिले के गांव से, ढाणी से जब युवा साथी मेरे साथ आके खड़े हुए थे तो मैं हमेशा एक बात कहता था कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा विधायक है जो किसान परिवार से, कमजोर वर्ग से, जो लोग चाहे राजनीति में हो चाहे शिक्षा में हो आगे आना चाहते हैं, और उनके साथ यदि कोई अन्याय करेगा तो मुकेश भाकर को याद करना, वो आएगा पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। क्योंकि उसने भी किसान परिवार से सफर की शुरुआत करी थी और सब युवा साथियों की सेवा की, और आज आप लोगों ने पिछले 5 साल विधायक बनने का मौका दिया। अभी बार भी यदि पायलट साहब की मजबूती के लिए और आदरणीय विधायक जी को आप सब लोगों की मजबूती और ताकत के लिए विधानसभा में भेजोगे तो आने वाले समय के अंदर लाडनू के अंदर पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है उससे भी बहुत अच्छा विकास यह होगा, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। राम राम साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।